Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you all a very important topic of educational psychology, that is experiential learning. अनुभवात्मक अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, किसी भी नाम से इसको जानते हैं. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various regular professional courses and your competitive teaching examinations too. So let's start. First of all, what is experiential learning? Experiential learning kya hai? So from time immemorial, it has become a matter of discussion among educators that teaching must be performed in such a way that it eventually culminates in learning. है ना? यानी कि बहुत समय पहले से ऐसी बात की जा रही है शिक्षाविदों के बीच में कि टीचिंग इस तरह से की जाए कि वो लर्निंग में तब्दील, है ना, मतलब हम शिक्षण करें तो अधिगम में तब्दील हो वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के, तब तो शिक्षण का कोई मतलब है. वन सच एग्जाम्पल इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो इस तरीके का अगर हम उदाहरण देखें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रूप में हमको मिलता है. इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपेंस व्हेन लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज और हर एक्सपीरियंसेस एंड देन रीच टू कंक्लूजन ऑन इट्स एप्लीकेशन पार्ट. ये एक प्रकार का अधिगम है जिसमें कि जो अधिगम करता है वो खुद अपने एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्शन करता है, वो सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है उसके ऊपर और तब वो कंक्लूजन पर या उसके एप्लीकेशन पर पहुंचता है. है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी सिंस अ लॉन्ग टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई ये नया टर्म है जो कहीं से ओरिजिनेट हो गया है, बल्कि ये बहुत पुरानी पेडागॉजी है, बहुत पुराना ये शिक्षण शास्त्र का तरीका है. कितना पुराना कि हमको ओल्ड ईस्टर्न कन्फ्यूशियन फिलोसफी में मिलता है. देखिए बहुत फेमस कोट है, कई जगह आपने सुना होगा कि आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेम्बर, आई डू आई अंडरस्टैंड. मतलब जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है और जब मैं करता हूँ तो मुझे समझ में आता है ना. दिस वेरी सेइंग हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द नोशन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और यू कैन से लर्निंग बाय एक्सपीरियंस. इस कथन से हमको ये मिलता है, इसका फाउंडेशन मिलता है, इसकी नींव मिलती है कि जब हम करके सीखते हैं या जब हम अनुभवों से सीखते हैं, है ना, तो अनुभवों से सीखना ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. फिर क्या है ये? With the increased significance and thrust in education for acquiring 21st century skills. जब ये बात होने लगी कि 21वीं सदी के जो कौशल हैं वो हमको सिखाने हैं छात्रों को, तो फिर से experiential learning का जो concept है वो आप कह सकते हैं कि scene में वापस आया. तो एक 21st century skills कौन कौन सी है? जैसे कि critical thinking, creativity, ना चिंतन करना, रचनात्मकता, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के संग मिलकर सीखना, कम्युनिकेशन, संवाद, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, लीडरशिप स्किल्स, है ना, नेतृत्व का कौशल, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल एक्सेट्रा, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स है. तो जब इनकी बात आई कि हमको शिक्षा में 21st सेंचुरी स्किल्स को देना है तो experiential learning has gained momentum again in recent past. इसलिए इधर हाल फिलहाल के सालों में experiential learning का जो concept है उसने फिर से एक momentum gain कर लिया है, एक आंदोलन के रूप में सामने आया है. Therefore, we as educators must strive to imbibe the qualities and skills of the future in our learners. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम जो शिक्षाविद हैं हमको अपने छात्रों में फ्यूचर की स्किल्स और क्वालिटीज को इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन एक्वायरिंग देम टू सिंपली रीड एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट विदाउट यूजिंग देयर थिंकिंग प्रोसेस. ना कि वो हो जैसा कि आजकल जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि बस पढ़ते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, टेक्स्ट सोचते नहीं है. दिस कैन हेल्प अस बेंचमार्क अवर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन. और अगर हम ऐसा कर पाएंगे कि जो छात्र हैं वो सोचेंगे, थिंकिंग स्किल्स को यूज करेंगे, तो हम इंटरनेशनल बेंचमार्क अटेन कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है. An approach like experiential learning can surely bring about the required change in the competency level of Indian students and they can be at par with the best in the world. अगर हम इस तरीके का कुछ काम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो भारतीय छात्र हैं उनकी competency level बढ़ेगा और वो विश्व के जो best छात्र हैं, best institution हैं, उनसे at par कर पाएंगे उनके बच्चों के students के learning outcomes से. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को और बेहतर समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, परिभाषाएं, तो क्रमवार चलते हैं. 1994 में लुईस एंड मिलियंस की डेफिनेशन आई थी. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सपीरियंशियल लर्निंग मींस लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग.
मतलब एकदम सरलतम शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो अनुभव जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो क्या है, अनुभव से सीखना या करके सीखना है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन फर्स्ट इमर्सेस लर्नर्स इन एन एक्सपीरियंस एंड देन इनकरेजेस रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्सपीरियंस टू डेवलप न्यू स्किल्स, न्यू एटीट्यूड्स और न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता क्या है कि जो अधिगम करता है उसको एक एक्सपीरियंस में पहले डुबोता है, एक उसको अनुभव देता है, एकदम अनुभव में वो डूब जाता है, वो तब उसको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आपने जो अनुभव किया उस पर रिफ्लेक्शन दीजिए, सोचिए, बताइए कैसा फील किया आपने। इस तरीके से आप नए कौशल, नए एटीट्यूड्स और नए तरीके सोचने के डेवलप कर सकते हैं। सी बियर्ड एंड जे विल्सन 2006 में बताते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ सेंस मेकिंग प्रोसेस, मतलब कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि सेंस निकल कर आ रहा है ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट, यानी कि छात्र जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, छात्र को जो कि एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसलिए छात्र क्या है एक्टिव इंगेजमेंट, मतलब एक्टिव इंगेजर की तरह है, वो इंगेज हो रहा है एक्टिविटी बिटवीन द इनर वर्ल्ड ऑफ द पर्सन एंड द आउटर वर्ल्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हम मन के अंदर मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और बाहर जो हमारा संसार है, वातावरण है, उन दोनों के बीच में एक्टिव इंगेजमेंट हो रहा है और तब उससे सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी 2010 में क्या कहती है कि द स्ट्रेटेजिक एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अपॉर्चुनिटीज टू लर्न थ्रू डूइंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन दोज एक्टिविटीज व्हिच एम्पावर्स देम टू अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एंडेवर्स इन ए मल्टीट्यूड ऑफ सेटिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजिक है, आपने स्ट्रेटेजी बना के चले, एक्टिव इंगेजमेंट है किसका, स्टूडेंट्स का, हम उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि वो करके सीखें, वो जो कर रहे हैं उस पर अपना रिफ्लेक्शन दें जिससे कि उनको शक्ति मिलेगी और वो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एंडेवर में यूज कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो उनको क्लासरूम के अंदर और बाहर मिलेंगी, ये डेफिनेशन साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की है जो 2010 में दी गई। तो इन डेफिनेशन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, कि लर्निंग इज बेस्ट कंसीव्ड एज अ प्रोसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। वो कह रहे हैं कि जो निकल के आ रहा है वही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि जो ये प्रक्रिया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया। The process of learning is more important because it gives required experience to the learners. ये process ज़्यादा important है क्योंकि ये process ही अधिगमकर्ता को अनुभव प्रदान करता है। फिर learning is a continuous process grounded in experience, यानी अनुभव में, एकदम अनुभव में lean है ये process learning का, ये सतत चलता है। Learning is an holistic process of adaptation to the world, जो संसार है उसे हम अनुकूलन करना सीखते हैं, यही learning है। लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शंस बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्ति और वातावरण के बीच का ट्रांजेक्शन जो है वो लर्निंग है। और क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान का, ज्ञान के उत्पादन की प्रक्रिया ही अधिगम। ठीक है, फिर फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स, मतलब कि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट है ये डेविड गोल्ड ने दिया है, अभी तक ये बात नहीं निकल के आई थी। तो डेविड गोल्ड ने कहाँ से ये कंसेप्ट पाया, मतलब क्या ये वैक्यूम से कंसेप्ट जनरेट हुआ या वो बैठे बैठे मतलब अचानक उन्होंने सोचा और इस कंसेप्ट को दिया, नहीं। इस कंसेप्ट के पीछे के जो फिलोसॉफिकल आधार हैं वो बहुत पुराने हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट एनीथिंग विच इज एंटायरली न्यू टू द एकेडमिक वर्ल्ड, ये कुछ शिक्षा के जगत का कोई नई चीज नहीं है। रादर इट इज बेस्ड ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर फिलोसफीज ऑफ डीवी, लेविन एंड पियाजे। ये कह रहे हैं कि जॉन डीवी, आपका कर्ट लेविन और जियां पियाजे ऑलरेडी जो बात कह के गए थे उसी पर बेस करके कोल्ब ने ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट दिया। कोल्ब हैज हिमसेल्फ स्टेटेड, उन्होंने खुद कहा है दैट हिज वर्क हैज फाउंड इट्स रूट्स इन द, कि उनका जो काम है, जो उनका खोज है, जो उनकी फाइंडिंग है, तो उसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, डीवी की फिलोसॉफिकल प्रैग्मेटिज्म में, लिविन की सोशल साइकोलॉजी थ्योरी में और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में। अब चूंकि हम लोग डीवी के बारे में भी जानते हैं, लिविन के बारे में भी जानते हैं और पियाजे के बारे में भी जानते हैं, हम जानते हैं कि डीवी को हम लोग प्रैग्मेटिज्म में पढ़ते हैं, लिविन की थ्योरी सोशल साइकोलॉजी थ्योरी है और पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जॉन डीवी क्या कह के गए, उन्होंने कहा कि एवरी एक्सपीरियंस हैज फाउंड इट्स प्लेस इन सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, जॉन डीवी वो शख्स थे जिन्होंने सोशल एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को लर्निंग में इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि हर अनुभव जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में ही हमको मिलता है, हेंस नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। ये ज्ञान क्या है, सामाजिक रूप से निर्माण होता है उसका और वो अनुभवों पर आधारित होता है।
कार्ल लेविन ने क्या कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी इज ड्रिवन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल टेंशंस ऑफ एक्शन और रिफ्लेक्शन इन एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं कि कार्ल लेविन की जो टोपोलॉजिकल थ्योरी है, फील्ड स्पेस थ्योरी है, वो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेंशन है, वेक्टर थ्योरी है, कहाँ प्लस मतलब रिपल्शन लग रहा है, कहाँ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस थ्योरी में उनके हिसाब से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे हो रही है, एक्सपीरियंस कैसे मिल रहा है लर्नर को, रिजोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल टेंशन, जो एक्शन और रिफ्लेक्शन से टेंशन निकल के आ रहा है, जो एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्शन से टेंशन निकल के आ रहा है, उसको खत्म करने से लर्निंग मिल रही है। ओके, और जहाँ पे आज क्या कह रहे हैं, हैज प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच ही हैज आल्सो एम्फसाइज्ड दैट लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज, एसिमिलेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वो कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम ज्ञान को खोजते हैं एसिमिलेशन और एक्युमुलेशन के द्वारा, हम अनुभवों से और ज्ञान से अधिगम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो एक तरीके से हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आप कह सकते हैं ये एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम बिहेवियरिस्ट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पॉलो फ्रेरे, सभी लोग जानते हैं पॉलो फ्रेरे ने पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेस्ट किताब लिखी है, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग पे बात की है, उन्होंने बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात की है, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। वो क्या कहते हैं बैंकिंग कंसेप्ट में कि ये जो पुराना मॉडल है, जो ट्रेडिशनल मॉडल है, जो बिहेवियरिस्ट मॉडल है, वो कहते हैं कि वो क्या करता है, बच्चे को, लर्नर को पैसिव रेसिपिएंट बना देता है और बस जो हम उसमें भरते जाते हैं, जैसे बैंक में पैसा भरा जाता है उसी तरह से उसमें इन्फॉर्मेशन भरते जाते हैं और वो पैसिव रेसिपिएंट की तरह बैठा है, ना वो कुछ प्रतिकार करता है, ना वो कुछ सोचता है, ना वो कोई प्रश्न करता है। Paulo Freire has proposed his banking concept in education, in which he equalizes behaviorist model as banking model of education, in which learners act as passive recipients of information provided by teachers. मतलब टीचर ने जो बता दिया बच्चे ने वो सुन लिया, that's it. In contrast, इसके विपरीत जो constructivism है, जो संरचनावाद है, वो क्या है, is viewed as the meaning making theory. जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट जो है वो अपने मीनिंग को खुद मेक करता है, मतलब खुद निर्माण करता है, अपने अर्थ का निर्माण खुद करता है। दैट ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न। दिस थ्योरी असर्ट्स दैट ईच इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट्स हिज और हर नॉलेज बेस्ड अपॉन हिज और हर प्रीवियस नॉलेज एंड प्रेजेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज सोशल। ये थ्योरी कहती है, कौन सी थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है कि हर जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और किस तरह से करता है, किस पर आधारित होता है ये ज्ञान, जो उसका पूर्व ज्ञान है और जो उसको प्रेजेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, मतलब प्रेजेंट जो अनुदेशन उसको वर्तमान में मिल रहा है और जो कुछ वो जानता है, और इन एडिशन टू जो सोशल एनवायरमेंट है जिसमें वो रहता है। Now there is clear shift from teacher-centered to learner-centered approach. यानी कि जब हम experiential learning की बात करते हैं तो हम automatically teacher-centered से learner-centered की तरफ shift हो जाते हैं। Rote learning to deeper understanding, रटने वाले सीखने से समझ के सीखने की तरफ चले जाते हैं। Memory level thinking to reflective level thinking, जो स्मृति के आधार का चिंतन है से हम reflective level के चिंतन तक पहुंच जाते हैं। In educational scenarios due to emergence of experiential learning. अच्छा, एक और खास बात, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग बार बार कहा जा रहा है तो हो सकता है कि आप ये समझ रहे हो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिर्फ ये है कि अनुभव से, मतलब कि हमको कोई अनुभव मिला और हमने सीख लिया। अनुभव तो मिला, लेकिन अनुभव के जब तक हमारा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तब तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कम्प्लीट नहीं होगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट जस्ट फील वर्क, हमने बच्चे को कोई फील वर्क करा दिया तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। Which means connecting of learning to real life situation. On the contrary, but ये क्या है? It is a theory that defines the cognitive process of learning and it asserts the importance of critical reflection in learning. तो सबसे important क्या है? Critical reflection. कि हम experience मिलेगा, उस पे हम चिंतन करेंगे, reflection करेंगे. ओके, एक एक्सपी बहुत फेमस कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, वो कहते हैं कि लर्नर को पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, वो कुछ करता है या उसको कोई अनुभव प्राप्त होता है, उस पर वो अपना ऑब्जर्वेशन देता है, प्रेक्षण देता है, रिव्यू करता है, रिफ्लेक्ट करता है उस एक्सपीरियंस पे, फिर वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। देखिए, एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट मिला था और कंसेप्चुलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कुछ कंक्लूड करता है, कुछ सीखता है उस एक्सपीरियंस से, और फिर क्या करता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन प्लान करता है, ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न, मतलब जो कुछ उसने सीख लिया उसको दूसरी सिमिलर कंडीशन में
ड्राई आउट करने की कोशिश करता है। तो ये चक्र है एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल का। कोल कहते हैं कि कोई कहीं भी एंटर कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से ही शुरू करेंगे, हो सकता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से शुरू करें, हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से शुरू करें, लेकिन आपको करना चारों स्टेप पूरा है तभी आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी को शब्दों में भी देख लीजिए कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या है, कि लर्नर कैनॉट लर्न मियरली बाय रीडिंग और ऑब्जर्विंग। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखेंगे बल्कि हम रिफ्लेक्ट जब तक उस पर ना करें, वेयर द लर्नर रिफ्लेक्ट्स एट द सिचुएशन, और फिर हम क्या करेंगे, लर्नर क्रिएट्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंसेस। जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसे हम थ्योरी का निर्माण करेंगे, और फिर बाद में फाइनल से वेयर द लर्नर अप्लाइज व्हाट ही हैज लर्न, यानी कि ये एप्लीकेशन लेवल का हिस्सा है कि हमने जो सीख लिया उसको दूसरी जगह पर हम उसका अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर एक कोल्स की लर्निंग स्टाइल्स भी है। देखिए, वैसे बार्क लर्निंग स्टाइल हम सबसे ज्यादा फेमस है जो हम पढ़ते हैं, जिसमें विजुअल ऑडिटरी रीजनिंग रीडिंग और काइनेस्थेटिक चलती है। कोल ने अपनी लर्निंग स्टाइल दी है, उन्होंने कहा देखिए डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और एकोमोडेटिंग। वो कह रहे हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस तो था ही, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में हम क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में क्या कर रहे थे, थिंक कर रहे थे। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ये जो डाइवर्सिंग है वो क्या है, फील एंड वॉच, क्योंकि फीलिंग एंड वॉचिंग के बीच में पड़ रहा है। जो एसिमिलेटिंग है वो क्या है, थिंक एंड वॉच, क्योंकि वो थिंकिंग और वॉचिंग के बीच में है। जो कन्वर्सिंग है वो क्या है, थिंकिंग एंड डूइंग के बीच में है, तो थिंक एंड डू हो गया। और जो एकोमोडेटिंग है वो डूइंग और फीलिंग के बीच में है, तो फील एंड डू हो गया। मतलब कि चार प्रकार की उन्होंने लर्निंग स्टाइल बताई कि लर्नर या तो डाइवर्जिंग टाइप के होते हैं, या एसिमिलेटिंग होते हैं, या कन्वर्जिंग होते हैं, या एकोमोडेटिंग होते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि ऑपोजिट इन्होंने डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कर दिया है, और इधर एसिमिलेटिंग एकोमोडेटिंग कर दिया, तो आपको याद हो जाएगा। तो डाइवर्जिंग क्या है, इट एम्फेसाइजेस फील एंड वॉच है इनके पास, यानी कि ये महसूस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। इट एम्फेसाइजेस द इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स। थिंक एंड वॉच वाले क्या करते हैं, मतलब ये सोचते हैं और प्रेक्षण करते हैं। हियर लर्नर पुल्स ए नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। थिंक एंड डू मतलब सोचते हैं और करते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा इनका विश्वास रहता है। और एकोमोडेटिंग फील एंड डू मतलब महसूस करते हैं और करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स विद दिस लर्निंग स्टाइल यूज ट्रायल एंड एरर रादर देन थॉट एंड रिफ्लेक्शन। ओके, अब पॉलिसी इनिशिएटिव्स। क्या ऐसा है कि सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में ऐसे ही हवा में बात हुई है? नहीं, बहुत सारी पॉलिसीज ने ये इनिशिएटिव दिया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्चुअली क्लासरूम में लाया जाए। उसके लिए आपका NCF 2005 ने बात की है, यूनेस्को ने बात की है, CBSE ने बहुत सारे इनिशिएटिव दिए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। तो NCF क्या कहता है, पहले तो करिकुलम फ्रेमवर्क, हम वैसे NCF हमने करिकुलम फ्रेमवर्क की पहले भी बात की, आप जानते होंगे, फिर भी करिकुलम फ्रेमवर्क कंसिस्ट्स ऑफ ए क्लियर एंड इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी ऑन हाउ द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इज एडवाइज विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स लाइक सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, पेडागॉजी, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेट्रा। मतलब कि पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या की जो फ्रेमवर्क होता है उसमें ये होता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना लिखाना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिलेबस क्या होगा, टेक्स्ट बुक क्या रखी जाएगी, कौन सी पेडागॉजी यूज़ की जाएगी, कितनी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी। तो NCF 2005 ने क्या किया है, इट हैज़ पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डिजाइनिंग टास्क बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट चैलेंज स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड इनकरेज इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन। तो NCF 2005 ने इस पर बल दिया है कि क्लासरूम में हम टास्क बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दें स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनकी थिंकिंग की कैपेसिटी इन्हेंस कर सके। यूनेस्को ने क्या कहा, यूनेस्को लॉन्च द टीचिंग एंड लर्निंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर एज ए प्रोग्राम फॉर यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक दशक इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बनाया, उसमें इन्होंने कहा कि TLSF मतलब टीचिंग एंड लर्निंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ना टीचिंग T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग, S फॉर सस्टेनेबल, F फॉर फ्यूचर, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोग्राम जो था उसने क्या किया, एक मॉड्यूल पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे दिया कि एज ए की अप्रोच टू स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल फ्यूचर। कि अगर हम सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हैं तो हमको स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉलो करनी चाहिए। और CBSE ने क्या किया, CBSE has identified the transformation of the pedagogical processes of teaching learning in schools as a crucial intervention to make the students future ready।
The transformation is to be implemented by incorporating active and experiential learning besides strengthening other aspects of learning like arts and sports teaching, capacity building of educators and greater emphasis on value education and life skills. कहने का मतलब कि सीबीएसई ने पूरा, आप इनका एक हैंडबुक है अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा नेट पे, तो इन्होंने पूरा लेसन प्लान बना के दिखाया है कि आप फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे तो, साइंस पढ़ाएंगे तो, कि मतलब आप निश्चित रूप से सारे टॉपिक रोज रोज आप इस तरह से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप 10 में से 2 भी इस तरह से पढ़ाते तो वो स्टूडेंट्स के लिए मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उनकी जरूरी होता है, हमेशा वो याद रखेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट्स इसके क्या क्या हो गए? निश्चित रूप से लाभप्रद है ये कि बिल्ड्स कॉम्पिटेंसी, जैसे दक्षता का निर्माण होता है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस एक दूसरे में मिल जाते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज फार मोर इफेक्टिव इन लॉन्ग लास्टिंग, अगर हम अनुभव से सीखते हैं, करके सीखते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है। बिल्ड्स ग्राउंड फॉर सेल्फ मोटिवेशन, चूंकि हमको है कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, हमको अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना है, तो हम सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। Offers opportunities to students to think freely and operate differently without losing their confidence. देखिए अगर हमने बच्चे को चिंतन करना सिखा दिया तो मतलब हमने उसके जीवन भर की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स या हम लोग चिंतन ही तो नहीं करते हैं, बस इंफॉर्मेशन मिलती है और हम बस कमांड फॉलो करते हैं, सोचते कुछ है नहीं। और डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट्स, उसी तरह से अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट्स डेवलप हो गई तो इट इज़ वेरी गुड फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, एंड हम क्यों कह सकते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो हमारा फ्यूचर के क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट है और होना ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, ये हमको एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, ये थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप को भरता है, इसमें माइंडसेट चेंज दिखता है कि अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो बच्चा फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चला जाता है, इंगेजमेंट लेवल बढ़ता है बच्चे का, एक्सेप्शनली इफेक्टिव है ये रिटेंशन के लिए और पर्सनलाइज्ड लर्निंग को ये मतलब बल देता है। ठीक है, तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि डेफिनेटली द क्लासरूम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, बट दिस इज नॉट एज इजी एज इट इज शोइंग, इतना आसान नहीं है। देयर मस्ट बी ऑल टुगेदर चेंज इन द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर्स फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिनेरियो, हमको टीचर्स को अपनी भूमिका में बदलाव करना होगा। टीचर्स हैव टू क्रिएट सच कंडीशंस इन द क्लासरूम सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेन फ्रूटफुल एक्सपीरियंसेस एंड दे कैन रिफ्लेक्ट ओवर देयर टू प्रोड्यूस जनरलाइजेशंस एंड अल्टीमेटली क्रिएट नॉलेज व्हिच कैन अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब हमको उनको पहले अनुभव प्रदान करने होंगे, फिर अनुभव पे प्रेक्षण करना सिखाना होगा, फिर प्रेक्षण करके थ्योरी जनरेट करनी होगी, नॉलेज जनरेट करनी होगी, और फिर जो आपने नॉलेज जनरेट की उसका एप्लीकेशन सिमिलर सिचुएशन में करना है, इतना पूरा है तब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल कम्प्लीट हो रहा है। Hence, experiential learning classrooms required the role of instructors as facilitators or moderators in place of information providers for creating situations for fruitful experiences for students. In a nutshell, it is the demand of the present knowledge society that our future classrooms must be governed by experiential. ठीक है, तो experiential learning David Golb ने दिया, चार stages उसके learning के साइकिल के हैं, चार learning style भी बताई हैं, डीवी लिविन और पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है, बिहेवियरिस्ट से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है ना, और बढ़िया है। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, आई हैव डन फॉर